Hello everyone, welcome again to this new episode of Shake Hand with Life YouTube channel. मैं नरेंद्र शर्मा. आज इस वीडियो में मैं आपको स्टडी करवाने वाला हूँ स्पेशल कॉजेज ऑफ वेरिएशन एंड प्रोसेस क्वालिटी. मतलब स्पेशल कॉजेज ऑफ वेरिएशन क्या होते हैं और उनके क्या इम्पैक्ट होते हैं प्रोसेस की क्वालिटी के ऊपर. लेकिन स्पेशल कॉजेज ऑफ वेरिएशन को स्टडी करने से पहले मेक श्योर कि आपने शेक हैंड विद लाइफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और बेल आइकन को भी दबा दिया है, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और तुरंत मिल जाए. कॉजेज ऑफ वेरिएशन हमारे पास दो टाइप के होते हैं. पहले हैं कॉमन कॉजेज ऑफ वेरिएशन, दूसरे हैं स्पेशल कॉजेज ऑफ वेरिएशन. कॉमन कॉजेज ऑफ वेरिएशन को मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में स्टडी करवा चुका हूँ. अगर अभी तक आपने कॉमन कॉजेज ऑफ वेरिएशन का वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए. वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और ऊपर आई मार्क में भी दिया हुआ है. कॉमन कॉजेज ऑफ वेरिएशन और स्पेशल कॉजेज ऑफ वेरिएशन दोनों के वीडियो देखने के बाद आप ये क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि कॉमन कॉजेज ऑफ वेरिएशन और स्पेशल कॉजेज ऑफ वेरिएशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, दोनों ही किस तरह से प्रोसेस की क्वालिटी को इम्पैक्ट करते हैं. स्पेशल कॉजेज ऑफ वेरिएशन एंड प्रोसेस क्वालिटी के इस वीडियो में आज हम जो स्टडी करने वाले हैं वो है हाउ टू आइडेंटिफाई द स्पेशल कॉजेज ऑफ वेरिएशन इन द प्रोसेस. कैसे हम स्पेशल कॉजेज ऑफ वेरिएशन को प्रोसेस के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हाउ डू द स्पेशल कॉजेज ऑफ वेरिएशन अकर इन द प्रोसेस, कैसे स्पेशल कॉजेज ऑफ वेरिएशन प्रोसेस के अंदर अकर होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, अराइव होते हैं, हाउ डज द प्रोसेस बिहेव इन केस ऑफ स्पेशल कॉजेस, जब स्पेशल कॉजेज ऑफ वेरिएशन प्रोसेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं तो प्रोसेस किस तरह से बिहेव करता है, व्हाट कुड बी द इम्पैक्ट्स ऑफ द स्पेशल कॉजेज एज एन एंड रिजल्ट. एंड रिजल्ट के रूप में स्पेशल कॉजेज ऑफ वेरिएशन का प्रोसेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, हाउ कैन वी कंट्रोल और प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ स्पेशल कॉजेस, और लास्ट में हम स्टडी करेंगे कैसे हम स्पेशल कॉजेज ऑफ वेरिएशन को प्रोसेस के अंदर अकर होने से प्रिवेंट कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं. हाउ टू आइडेंटिफाई द स्पेशल कॉजेज ऑफ वेरिएशन इन द प्रोसेस. प्रोसेस के अंदर स्पेशल कॉजेज ऑफ वेरिएशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसे हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे पहचानते हैं कि स्पेशल कॉजेज ऑफ वेरिएशन प्रोसेस के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं. जब प्रोसेस के अंदर स्पेशल कॉजेज ऑफ वेरिएशन एग्जिस्ट करते हैं उस समय डेटा वैल्यूज कंट्रोल लिमिट्स के बाहर चली जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रोसेस की एवरेज मीन 45 mm है किसी पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक के लिए और स्टैंडर्ड डिविएशन 2 है, तो ऐसे केस में अपर कंट्रोल लिमिट क्या होगी, 45 + 3 × 2 = 51. दैट मीन्स अपर कंट्रोल लिमिट क्या है, मीन प्लस 3 स्टैंडर्ड डिविएशन. इसी तरह से लोअर कंट्रोल लिमिट क्या है, मीन माइनस 3 स्टैंडर्ड डिविएशन. दैट मीन्स 45 - 3 × 2 = 39. अब जब कंट्रोल चार्ट हम ड्रॉ करते हैं किसी भी पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक के लिए, तो ऐसे केसेस में अगर स्पेशल कॉजेज ऑफ वेरिएशन प्रोसेस के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो कुछ डेटा वैल्यूज कंट्रोल लिमिट्स के बाहर चली जाती हैं. जो डॉट्स कंट्रोल लिमिट के बाहर दिखाई दे रही हैं वो स्पेशल कॉजेज ऑफ वेरिएशन की वजह से है. जो डेटा वैल्यूज सेंट्रल लाइन यानी कि 45 जो कि एवरेज है प्रोसेस की उसके आसपास फ्लक्चुएट कर रही हैं, वो कॉमन कॉजेज ऑफ वेरिएशन की वजह से फ्लक्चुएट कर रही हैं. तो जब डेटा वैल्यूज आउटसाइड कंट्रोल लिमिट्स होती हैं तब हम ये कहते हैं कि प्रोसेस के अंदर स्पेशल कॉजेज ऑफ वेरिएशन एग्जिस्ट कर रहे हैं. एक दूसरा तरीका और भी है, वो क्या है, नॉन रैंडम पैटर्न ऑफ डेटा वैल्यूज इज विजिबल. ये नॉन रैंडम पैटर्न किस तरीके का होता है, ए 7 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स अबव और बिलो, 7 पॉइंट्स 7 डेटा वैल्यूज लगातार या तो प्रोसेस एवरेज से नीचे की तरफ होती हैं या प्रोसेस एवरेज से ऊपर की तरफ होती हैं, बी 6 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, 6 डेटा वैल्यूज लगातार या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाई देती हैं या डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाई देती हैं, सी 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स नियर द कंट्रोल लिमिट्स, 2 लगातार पॉइंट्स बिल्कुल कंट्रोल पॉइंट्स के बिल्कुल पास में होते हैं
तब भी हम ये कहते हैं कि प्रोसेस के अंदर स्पेशल कॉजेज ऑफ वेरिएशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो स्पेशल कॉजेज ऑफ वेरिएशन के एग्जिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने का कौन कौन से तरीके हैं? एक, जब डेटा वैल्यूज आउटसाइड द कंट्रोल लिमिट्स हों, और दूसरा, जब डेटा वैल्यूज के अंदर नॉन रैंडम पैटर्न दिखाई दे। हाउ डू द स्पेशल कॉजेज ऑफ वेरिएशन अकर इन द प्रोसेस? स्पेशल कॉजेज ऑफ वेरिएशन प्रोसेस के अंदर कैसे अराइव होते हैं, अकर होते हैं या एग्जिस्ट करते हैं? जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को या तो इग्नोर किया जाता है या स्किप किया जाता है, तब स्पेशल कॉजेज ऑफ वेरिएशन प्रोसेस के अंदर एंटर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूज ऑफ रॉन्ग टूल इज नोन एज स्पेशल कॉज ऑफ वेरिएशन। एक सही टूल की बजाय, एक स्टैंडर्ड टूल की बजाय नॉन स्टैंडर्ड टूल या एक रॉन्ग टूल का इस्तेमाल किया जाना स्पेशल कॉज ऑफ वेरिएशन है। इसी तरह से यूज ऑफ इम्प्रॉपर रॉ मटेरियल, जो स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल है उसकी बजाय इम्प्रॉपर या गलत रॉ मटेरियल का यूज करना स्पेशल कॉज ऑफ वेरिएशन है। डेटा वैल्यूज ऐसे केसेस में फ्लक्चुएट करती हैं आउट ऑफ कंट्रोल लिमिट्स। इसी तरह से फॉलोइंग एन इनकरेक्ट प्रोसीजर, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसकी बजाय इनकरेक्ट प्रोसीजर या अपने मन से किसी प्रोसीजर को अडॉप्ट करना भी स्पेशल कॉज ऑफ वेरिएशन है। ऐसे केसेस में भी डेटा वैल्यूज आउट ऑफ कंट्रोल लिमिट्स फ्लक्चुएट करती हैं। हाउ डज ए प्रोसेस बिहेव? मीन्स एक प्रोसेस किस तरह से बिहेव करेगा जब उसके अंदर स्पेशल कॉजेज ऑफ वेरिएशन एग्जिस्ट कर रहे होंगे। जब प्रोसेस के अंदर स्पेशल कॉजेज ऑफ वेरिएशन एग्जिस्ट करते हैं, तब ऐसे केसेस में प्रोसेस अनस्टेबल एंड अनप्रेडिक्टेबल बिहेव करता है। अनस्टेबल एंड अनप्रेडिक्टेबल का क्या मतलब है? अनस्टेबल का मतलब है प्रोसेस के अंदर एबनॉर्मल फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। डेटा वैल्यूज आउट ऑफ कंट्रोल लिमिट फ्लक्चुएट कर सकती हैं या करती हैं। दूसरा, प्रोसेस के अंदर नॉन रैंडम पैटर्न देखने को मिलता है, यानी कि 7 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स या तो प्रोसेस की एवरेज से बिलो होते हैं या प्रोसेस एवरेज से अबव होते हैं। इसे हम नॉन रैंडम पैटर्न कहते हैं और इसी को हम कहते हैं अनस्टेबल बिहेवियर ऑफ द प्रोसेस। अब अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर ऑफ द प्रोसेस क्या है? जब प्रोसेस के अंदर कॉमन कॉजेज ऑफ वेरिएशन प्रेजेंट होते हैं, तब ऐसे केसेस में ओवर द टाइम जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रन करता है, प्रोसेस एवरेज 1.5 सिग्मा पर शिफ्ट हो जाती हैं। यानी कि प्रोसेस एवरेज के अंदर जो शिफ्ट देखने को मिलता है वो 1.5 सिग्मा का होता है। लेकिन जब प्रोसेस के अंदर स्पेशल कॉजेज ऑफ वेरिएशन प्रेजेंट होते हैं, तब ऐसे केसेस में प्रोसेस एवरेज कहाँ शिफ्ट होगी, कितनी शिफ्ट होगी, इसका पता करना बहुत मुश्किल होता है। प्रोसेस एवरेज अपर स्पेक लिमिट से भी बाहर जा सकती हैं और लोअर स्पेक लिमिट से भी बाहर जा सकती हैं। तो इसे हम कहते हैं अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर ऑफ द प्रोसेस। इन केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जब डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बिटवीन +3 सिग्मा एंड -3 सिग्मा, ऐसे केसेस में स्पेशल कॉजेज ऑफ वेरिएशन कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? कॉमन कॉजेज ऑफ वेरिएशन एग्जिस्ट करते हैं -3 सिग्मा और +3 सिग्मा के बीच में। ये ऑब्जर्वेशंस 99.73% होती है, यानी कि इसके बाहर कितना एरिया रह गया, 0.135% -3 सिग्मा से नीचे रह गया और 0.135% +3 सिग्मा से ऊपर रह गया। ये एरिया क्या है? स्पेशल कॉजेज ऑफ वेरिएशन का एरिया है, यानी कि यहाँ पर डिफेक्टिव पार्ट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये एरिया स्पेशल कॉजेज ऑफ वेरिएशन का एरिया है। व्हाट कुड बी द इम्पैक्ट्स ऑफ द स्पेशल कॉजेज ऑन द प्रोसेस एज एन एंड रिजल्ट? एंड रिजल्ट के रूप में प्रोसेस के अंदर किस तरह के इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं स्पेशल कॉजेज ऑफ वेरिएशन के कारण? किसी भी प्रोसेस के अंदर स्पेशल कॉजेज ऑफ वेरिएशन के कारण जो एंड रिजल्ट देखने को मिलते हैं वो कैटास्ट्रोफिक, हजार्डियस, सीवियर, हार्ड, पेनफुल, इस तरह के इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ बिजनेस, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, डिफेक्टिव पार्ट्स, कस्टमर कंप्लेंट्स, लॉस ऑफ गुडविल और ब्रांड वैल्यू। ये सारे किस तरह के इम्पैक्ट हैं जो कि स्पेशल कॉजेज ऑफ वेरिएशन की वजह से एंड रिजल्ट के रूप में दिखाई देते हैं प्रोसेस के अंदर।
अब कॉमन कॉजेज और स्पेशल कॉजेज के डिफरेंस को एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम एग्जांपल लेते हैं एक प्लेन का रनवे के ऊपर टचडाउन का। रनवे की टोटल लेंथ है 8,300 फीट। रनवे का आइडियल टचडाउन पॉइंट है 1,000 से 1,300 फीट के बीच में, थ्रेशोल्ड पॉइंट से। थ्रेशोल्ड पॉइंट कौन सा है? जहां से रनवे शुरू होता है। प्लेन लैंडिंग के इस प्रोसेस में कॉमन कॉजेज ऑफ वेरिएशन क्या होंगे? एयर फ्लो विद द प्लेन, एयर फ्लो अगेंस्ट द प्लेन। यानी कि जब प्लेन लैंड कर रहा है उस समय एयर फ्लो किस साइड है? प्लेन लैंडिंग की साइड में है या प्लेन लैंडिंग के अगेंस्ट में है? इस एयर फ्लो के कारण प्लेन लैंडिंग के दौरान प्लेन का टच डाउन पॉइंट थोड़ा बहुत डिफर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आइडियल टच डाउन पॉइंट 1000 से लेकर के 1300 फीट के बीच में है तो इसी के बीच में कहीं भी टच डाउन पॉइंट हो सकता है प्लेन लैंडिंग का। फॉर एग्जाम्पल 1000 फीट हो सकता है, 1025 फीट हो सकता है, 1100 फीट हो सकता है, 1050 फीट हो सकता है, 1125 फीट हो सकता है या 1200 फीट हो सकता है। यानी कि 1000 से लेकर के 1300 के फीट 300 फीट के बीच में प्लेन कहीं भी टचडाउन कर सकता है थ्रेशोल्ड पॉइंट से, और इसे हम सेफ लैंडिंग कहेंगे क्योंकि उसके बाद रन ओवर करने के लिए रनवे के ऊपर प्लेन के लिए रन ओवर करने के लिए काफ़ी लेंथ बच जाती है। अगर टोटल लेंथ रनवे की 8,300 फीट है तो प्लेन के लिए 7,000 से 7,300 फीट के आसपास का रनवे रन ओवर करने के लिए बच जाता है। प्लेन लैंडिंग के इस प्रोसेस में स्पेशल कॉजेज ऑफ वेरिएशन को समझने की कोशिश करते हैं और एज ए एंड रिजल्ट स्पेशल कॉजेज ऑफ वेरिएशन के क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं प्लेन लैंडिंग में, उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। स्पेशल कॉजेज ऑफ वेरिएशन की वजह से मान लीजिए प्लेन आइडियल टचडाउन पॉइंट पर लैंड ना करके लैंड करता है 3,500 से 4,000 फीट के बीच में। अगर प्लेन इस पॉइंट पर लैंड करता है तो ये क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पर स्पेशल कॉजेज ऑफ वेरिएशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये स्पेशल कॉजेज ऑफ वेरिएशन क्या हो सकते हैं? इम्प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ पायलट, इनएक्सपीरियंस पायलट, मेंटल और फिजिकल फटीग ऑफ द पायलट, टेक्नोलॉजिकल फेलियर भी हो सकता है, कम्युनिकेशन फेलियर ऑफ द पायलट विथ ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, इनमें से कोई भी स्पेशल कॉज ऑफ वेरिएशन हो सकता है जिसकी वजह से प्लेन आइडियल टच डाउन पॉइंट पर लैंड ना करके 3,500 से 4,000 फीट के बीच में लैंड करता है। अब प्लेन के पास रन ओवर करने के लिए रनवे शॉर्ट पड़ता है जिसकी वजह से प्लेन एज ए एंड रिजल्ट कुड लीड टू क्रैश, स्किड भी कर सकता है, टायर बस्ट हो सकते हैं, बाउंड्री वॉल के साथ कोलाइड कर सकता है। हाउ टू कंट्रोल एंड प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ स्पेशल कॉजेज ऑफ वेरिएशन इन द प्रोसेस, मतलब कैसे हम कंट्रोल और प्रिवेंट कर सकते हैं स्पेशल कॉजेज ऑफ वेरिएशन की अकरेंस को प्रोसेस के अंदर। सो टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल द अकरेंस ऑफ स्पेशल कॉजेज ऑफ वेरिएशन इन द प्रोसेस, उसके लिए सबसे पहले हमें स्पेशल कॉजेज ऑफ वेरिएशन को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले यूज़ ऑफ कंट्रोल चार्ट्स को यूज़ करना सीखें या यूज़ करें टू आइडेंटिफाई द स्पेशल कॉजेज ऑफ वेरिएशन। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को बनाएं, अगर नहीं बने हुए हैं तो उन्हें बनाएं और उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करें। एम्प्लॉयज़ की रेगुलर ट्रेनिंग करवाएं, जॉब चेंज, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, मेडिटेशन फॉर मेंटल फटीग, एम्प्लॉयज़ की मेंटल फटीग को दूर करने के लिए उनके जॉब को चेंज करते रहें लगातार। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ का यूज़ किया जा सकता है, मेडिटेशन का यूज़ किया जा सकता है मेंटल फटीग से बचने के लिए। प्रॉपर रेस्ट दें ड्यूरिंग द जॉब, एम्प्लॉई जहाँ पर जॉब कर रहे हैं वो अपनी जॉब के दौरान बीच बीच में रेस्ट लेते रहें जिससे कि वो शारीरिक रूप से थकान महसूस ना करें, और
ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल की ट्रेनिंग जरूर करवाएं, जिससे वो कंट्रोल चार्ट्स का यूज़ करना सीख सकें। कंट्रोल चार्ट्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, इसका वीडियो शेक हैंड विद लाइफ यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आप चाहें तो ऊपर आई मार्क में क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैंने दिया हुआ है। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको स्पेशल कॉजेज ऑफ वेरिएशन का कंसेप्ट एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि स्पेशल कॉजेज ऑफ वेरिएशन किस तरह से कॉमन कॉजेज ऑफ वेरिएशन से अलग होते हैं, और क्या उनके इम्पैक्ट हो सकते हैं प्रोसेस के ऊपर एज ए एंड रिजल्ट। सो इफ यू एंजॉयड द वीडियो, देन हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। डू राइट योर फीडबैक एंड सजेशंस, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस वीडियो, देन ड्रॉप योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स बिलो। Don't forget to subscribe Shake Hand with Life YouTube channel and hit the bell icon so that you get the notifications of my latest video uploads. Thanks for watching. See you in my next video with a new topic.